So till the last lecture, we have seen stack CPU, accumulator CPU, and under register CPU, we have seen two categories. First one was register to memory reference, and second one, register to register reference. One more is for address instruction. Okay. So in this format, what we do, we provide destination and source and the PC value, like from where the program is going to start. Since we know that PC is a mandatory register, that means कि अगर आपने PC का वैल्यू नहीं दिया तो इसका मतलब कि CPU को यह नहीं पता कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से करना है, तो कोई भी काम नहीं हो सकता, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है जब तक आप प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू नहीं दे. ओके, तो फोर्थ एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फर्स्ट आपको एक ऑपरेशनल कोड देना है. ओके, यानी कि किस टाइप का टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या है, ऑपकोड, फर्स्ट वन ऑपकोड. देन लाइक कि हम लोग इसको देखते रहते ए प्लस बी. ओके, लेट्स से कि ये 1000 लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है. ओके, यानी कि सीपीयू फेच करेगा, 1000 लोकेशन पे जाएगा और ऑपकोड फेच करेगा, यानी कि ऑपरेशनल कोड फेच करेगा पहले. तो उसको क्या मिला कि एडिशन परफॉर्म करना है, ऑपकोड किस टाइप का है, एडिशन टाइप का. वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, देन एक्चुअल साइज पता चलेगा कि एक कंप्लीट कितने साइज का है. ओके, तो जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो एग्जीक्यूशन साइकिल में फेच करना है, ऑपकोड हो गया. नेक्स्ट की ए प्लस बी को जब हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो होगा उसको कहीं स्टोर करना होगा. ओके, तो यहां पे डेस्टिनेशन यानी कि जहां पे वैल्यू स्टोर करना हो, ऑर्डरिंग में हमने बताया था कि ये वाली वैल्यू कॉपी आती है यहां पे. ओके, ऑपकोड जो दिया हुआ है वो किस टाइप का है, उसके लिए कितने ऑपरेंड्स की जरूरत है, यानी कि ऑपकोड यहां पे एडिशन है, ऑपरेंड्स टू रिक्वायर्ड है, ए एंड बी. तो जहां पे ए प्रेजेंट है यानी कि एड्रेस वन. ओके, नेक्स्ट इसको डेस्टिनेशन को हम लोग मान लिए एड्रेस वन. ओके, एड्रेस वन, एड्रेस टू यानी जहां ए प्रेजेंट है, नेक्स्ट एड्रेस थ्री जहां पे बी प्रेजेंट है, एड्रेस थ्री जहां पर बी प्रेजेंट है. ओके, एडिशन परफॉर्म करना था ए प्लस बी ऑपकोड, एड्रेस वन जहां स्टोर करना है यानी कि एक्स पोजिशन पे स्टोर करना था इसका एड्रेस, एड्रेस टू यानी कि जहां पे फर्स्ट ऑपरेंड प्रेजेंट है, एड्रेस थ्री यहां पे जहां पे सेकंड ऑपरेंड प्रेजेंट है, एंड देन कि किस लोकेशन पे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, यानी कि पीसी का वैल्यू क्या होगा. तो यहां हम 1000 देंगे. ओके, सी ये क्या है, पीसी वैल्यू यानी कि जहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. और हमको पता है कि पीसी जो है हर इंस्ट्रक्शन का रिक्वायर्ड है, बिना पीसी का वैल्यू दिए हुए आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो. तो इसको अलग से हमें देने की जरूरत नहीं है. ओके, प्रोग्राम में अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमको देना ही देना है. ओके, ये तो फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या था, यहां पे पीसी दे रही है, सॉरी यहां पे पीसी दे रहे थे. फोर एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर हमको पीसी देना पड़ रहा है, जबकि पीसी क्या है, रिक्वायर्ड है, इसको हमको देना ही देना है. इसके लिए हमको जो इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, उसमें हमको पीसी को एसोसिएट करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, उसको अलग से दे दिए, जैसे कि 1000 लोकेशन पे दे दिए, एंड बोले कि यहां से अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, हमको इसमें देने की जरूरत नहीं है. लाइक पहले एक इंस्ट्रक्शन गया, ये किसी एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन रहा होगा, तब बोले कि हमको ऑपकोड के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म करो, और वो कहां पे प्लेस्ड है, जहां पे पीसी एड्रेस इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है. ओके, तो यहां पे ये जो है एक एक्स्ट्रा बर्डन है और रिक्वायर्ड भी नहीं है. ओके, तो ये जो फॉर्मेट है ये यूज में नहीं है. ओके, यानी कि हम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तभी क्या करते हैं कि पीसी का वैल्यू दे देते हैं, एंड देन वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है. ओके, अलग से इंस्ट्रक्शन के अंदर पीसी को देने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो इस वीडियो तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इंटायर एग्जीक्यूशन साइकिल. नेक्स्ट इसमें एक टेक्निक है, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक, उसको डिस्कस करेंगे कि होता क्या है. देन उसके बाद हम देखेंगे कि जब इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे थे, ओके, तो फेच का काम है सिंपली फेच कर लिए मेमोरी से. ओके, इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर ला दिए, अब वो किस टाइप का इंस्ट्रक्शन था और उसको परफॉर्म करने के लिए कितने अदर ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है, उन सबको फेच करना भी बाकी है. फेच में क्या किया, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फेच कर लिए, तो वो कहां हो गया, फेच साइकिल, सॉरी एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर में. ओके, तो एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर हम पहले तो डिकोड कर रहे हैं, देन ऑपरेंड्स फेच कर रहे हैं, यानी कि मेमोरी लोकेशन किसी पे ए है और बी है, तो ए और बी को फेच कर रहे हैं. देन प्रोसेस जो हमारा दिया हुआ है, जिस टाइप का एडिशन करना है तो एडिशन कर रहे हैं. उसके बाद क्या कर रहे हैं कि फिर से जो वैल्यू आउटपुट आया उसको कहीं और स्टोर कर रहे हैं.
ओके। तो इन सारे स्टेजेस को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है और कैसे कंप्यूटर में इंप्लीमेंट होता है, ओके, किसके लिए कितने इंस्ट्रक्शन की मशीन साइकिल की जरूरत है, इस सारे चीजों को हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।